प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आज का संदेश वैंजलिस ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में उद्धार संबंधित विषयों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज खास करके जो लोग यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध अभी तक नहीं बनाया, भले आप यीशु मसीह के बारे में काफी कुछ जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मसीह लोगों के साथ अच्छा संगति भी करते होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपका जीवन में एक उद्धार का अनुभव नहीं हुआ, उनके लिए एक विशेष विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। कई संदेश में हमने बताया मसीहत एक धर्म नहीं है। हमारा देश में कई धर्म हैं, लेकिन बाइबल कभी भी एक धर्म के बारे में, धर्म मतलब रिलीजन के बारे में शिक्षा नहीं देता। उद्धार के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ एक मार्ग है मसीहत। प्रभु यीशु मसीह एक धर्म गुरु नहीं, लेकिन उद्धार देने के लिए संसार में जन्म लिया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। क्यों हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, इसके लिए दो मुख्य कारण है। एक तो है मनुष्य जन्म से पापी है, और पापी होने से कारण बाइबल स्पष्ट बताता है मनुष्य अनंत काल का सजा भोगना है। ये अनंत काल का सजा कहां भोगना है, उस जगह को नरक कहते हैं। बाइबल में नरक के बारे में प्रभु यीशु मसीह और बाकी जो लेखक लोग भी विवरण दिया गया, लगभग 162 बार जिक्र किया गया है। नरक को बाइबल में अलग अलग नाम में बताता है, इसको आग का झील या अंतिम न्यायविधि का जगह भी कहते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय इसका 4 पद में, जो बाइबल में जो नया नियम का एक किताब है, यीशु मसीह का चेला पत्रस ने इस पत्रिका लिखा, उन्होंने बता रहा दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 4 पद में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहां पर स्वर्गदूत करके एक शब्द हम लोग देख रहा, जरूर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन बाइबल बताते उन स्वर्गदूतों में कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर का खिलाफ में कार्य किया, परमेश्वर के समान बनने के लिए कोशिश किया, अपने आप में घमंड आ गया, जिसका परिणाम क्या हो गया, जो पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को परमेश्वर कभी छोड़ा नहीं, बता रहे नरक में भेज दिया और अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहां पर बताते एक अंधेरा कुंड में न्याय के दिन तक डाल दिया और उसको न्याय होने वाला। इस स्वर्गदूतों को परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा बाइबल बताता है, लेकिन बाइबल ये भी बात बताता है
मनुष्य को कभी भी नरक में भेजने के लिए परमेश्वर ने बनाया नहीं, लेकिन जो मनुष्य जो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है, बनाया हुआ है, वो भी इसी प्रकार परमेश्वर का खिलाफ में कार्य करके शैतान का बातों को अंगीकार करते हुए जो परमेश्वर से दूर चले गया, इसलिए बाइबल बताता है उन्हें भी पीड़ा का जहू में डाल दिया जाएगा। दूसरा तस्सलुनीका किताब 1:9 में बताता, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएगा, अर्थात नरक पीड़ा और दंड का एक स्थान है, वहां पर डाल दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, जो अनाज्ञाकारी बनकर स्वर्गदूत लोग आज जो अंधेरे कुंड में है, विनाश का जगह में है और न्याय का दिन के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ उनको, उसके साथ मनुष्य को भी जाना पड़ रहा है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता मनुष्य उधर जाना, लेकिन केवल एक ही कारण से, आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया इस कारण से। क्यों प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया? सारा मानव जाति को इस अंधेरे कुंड से या अनंत काल का जो न्याय का दिन जो स्वर्गदूतों के लिए रखा है, वहां से मनुष्य को बचाकर, पाप की शिक्षा से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए यीशु मसीह आया। कोई संसारिक लाभ फायदा के लिए प्रभु नहीं आया। प्रभु ने 35.5 साल के जो जीवन काल में किसी को कोई रुपया नहीं बांटा, कोई घर बना के नहीं दिया, इस प्रकार संसारिक जो फायदा का कुछ काम नहीं किया, लेकिन मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, उनका पवित्र लघु क्रूस पर बहाया। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार कर्ता के रूप में स्वीकार करे, अपना पापों को अंगीकार करे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप नरक से बच जाएगा, आज आप स्वर्ग का वारिस बन जाएगा। यह संदेश आपका जीवन में उद्धार का कारण बने, यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमेन।